हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं कैलकुलस कलन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, अवकलन। अवकलन का मैंने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया, पिछले वीडियो में आपने देखा है। और सबसे शुरुआत में मैंने आपको प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना बताया था, जिससे जितने भी सूत्र स्थापित होते हैं, डिराइव होते हैं, एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, ये हमने देखा था। अब आज हम कुछ क्वेश्चन को प्रथम सिद्धांत से अवकलन करेंगे। जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन दे हमको और बोले कि इसको प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, तो हम इस मेथड का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत दैट मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रथम सिद्धांत से अवकलन, प्रथम सिद्धांत से अवकलन का जो बेसिक फार्मूला है, एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो बेसिक फार्मूला होता है वो होता है, सपोज हमारे पास कोई y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है, मतलब dy बाई डी एक्स, वो होता है लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x अपॉन h। और इस फार्मूला के हेल्प से हम प्रथम सिद्धांत से अवकलन करते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, बस दो चार क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा दूं इसमें, तो आपको प्रथम सिद्धांत से अच्छे से अवकलन करना आ जाएगा। प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लिमिट। आपका लिमिट में अच्छा कमांड होना चाहिए। यदि लिमिट में अच्छा कमांड नहीं है तो आपको प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको लिमिट अच्छे से आना चाहिए, उसको रिवाइज कर लेंगे आप। तो यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, सपोज वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब इसका हमको प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना है, डिफरेंशिएट बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। यदि सामान्य रूप से आपको पता है कि डी बाई डी एक्स आप रूट एक्स करें, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। पीछे हमने कई बार इसको पढ़ा है और आपको याद भी हो गया होगा। तो ये इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इस तरह से होता है, एक्स टू दी पावर एन वाले फार्मूला से। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है। तो देखिए किस तरह से करते हैं अपन। सबसे पहले आपको याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, मैं पहले वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे ये जो y है वो फंक्शन ऑफ x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स। इसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं इसका वैल्यू, मतलब फंक्शन ऑफ x प्लस एच इक्वल टू हो जाएगा रूट ऑफ x प्लस एच। क्लियर, ये दोनों लिखने के बाद फिर अपन लिखेंगे देयरफॉर बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। इसलिए प्रथम सिद्धांत से ये डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट अप कर रहा हूँ, तो d बाई डी एक्स ऑफ वाई, मतलब यहाँ पर क्या है हमारे पास, वो रूट एक्स है, इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे किसका, फंक्शन ऑफ x प्लस एच का, जो कि अपने पास क्या है रूट ऑफ x प्लस एच, और माइनस यहाँ पर फंक्शन ऑफ x, इसको हम क्या लिखेंगे रूट ऑफ x और अपॉन h। इस प्रकार से सबसे पहला काम है हमारा फार्मूले में वैल्यू पुट अप करना। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जब ये वैल्यू अपन पुट अप करेंगे तो इसके बाद अपने इसको को लिमिट से क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, लिमिट से यदि इसको हम हल करें तो किस प्रकार से ये अंश को रूट ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस रूट एक्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्या अपन यहाँ पर फार्मूला लगाएं कि वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रूट एक्स को कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ऊपर नीचे से अंश और हर से रूट एक्स को कॉमन कर लें, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये मैंने रूट एक्स कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें इसका डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस एच अपॉन एक्स माइनस वन और अपॉन एच। क्लियर, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो। या यहाँ पर हमको द्विपद प्रमेय लगाना पड़ेगा। वैसे लिमिट को सॉल्व करने के बहुत से तरीके होते हैं। यदि इसके बजाय अब यहाँ पर द्विपद प्रमेय लगाना पड़ेगा, घात एक बटे दो के लिए विस्तार करना पड़ेगा, वन प्लस एच अपॉन एक्स के लिए। ठीक है, या हम चाहें तो यहाँ पर एक आसान तरीका है कि इसका हम परमेयीकरण कर सकते हैं, वो मेथड मैं अपनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि लिमिट सॉल्व करने के तरीके बहुत होते हैं। लिमिट एक ऐसा मैथमेटिक्स है जिसमें बहुत से मेथड हैं। तो यहाँ पर रेशनलाइज करना, इसको परमेयीकरण करना ज़्यादा आसान है। तो दैट इक्वल मैं वही काम करता हूँ यहाँ पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट ऑफ
एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ एक्स अपान एच, और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए इसका इसका परिमेयीकरण कर रहा हूँ ना अंश का, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ एक्स अपान, ये ज़्यादा आसान होगा उसके, क्योंकि वहाँ द्विपद प्रमेय लगाना पड़ेगा जो थोड़ा कठिन हो जाता है। तो ये मैंने क्या कर दिया, परिमेयीकरण कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, दैट इक्वल आगे हम इसको सॉल्व करें तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये इसके साथ ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा तो एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन एच इंटू, इसको ऐसे रहने दीजिए रूट ऑफ एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ एक्स, ये हो जाएगा क्लियर यहाँ तक। दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बहुत आसान हो गया, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और दोनों के कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पर एच बचेगा, वो एच इसके साथ में भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अब हम चाहें तो यहाँ पर डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एस के कैंसिल होने के बाद एच भी कैंसिल होगा, तो लिमिट पुट कर दें अपन, ये हो जाएगा वन अपान, यहाँ एच के जगह में जीरो पुट करेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपान टू रूट एक्स, ये देखो हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तब भी यही आता है, तो इस प्रकार से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए इसमें कुछ नया बात नहीं है, अवकलन आप सीख चुके हो, आपको यदि किसी क्वेश्चन को प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए बोलता है तो लिमिट के हेल्प से हमको उसको करना होता है, क्वेश्चन में साफ साफ बोलेगा डिफ्रेंशिएट बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत की सहायता से अवकलन कीजिए तभी अपने को ऐसा बनाना है, ठीक है। चलिए कुछ और क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं अपन, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अलग अलग फंक्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो गया रूट एक्स लिया, तो अलग अलग फंक्शन मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ और अलग अलग फंक्शन के आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कि किस तरह से वो बनेंगे, उसके बाद आपसे आसानी से ये हो जाएगा। अब यहाँ पर सपोज कर लेते हैं अपन कोई क्वेश्चन, मान लो y इक्वल टू, जिसको हम फंक्शन ऑफ x कहते हैं y को, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू मान लो मैंने रूट ऑफ साइन x सपोज कर लिया, रूट ऑफ साइन x ये सपोज कर लिया, अब रूट ऑफ साइन x तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके बाद हमको क्या लिखना होगा, फंक्शन ऑफ x प्लस एच तो हो जाएगा रूट ऑफ साइन x प्लस एच, क्लियर ये हो जाएगा। अब बाई फर्स्ट प्रिंसिपल सब में वही काम करना है, बाई फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से यहाँ पर मान को भर दें तो d बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, फंक्शन ऑफ x प्लस एक्स की जगह ये पुट अप कर देंगे तो रूट ऑफ साइन x प्लस एच माइनस रूट ऑफ साइन एक्स और अपान एच, यहाँ पर भी यही मेथड अप्लाई करेंगे, मतलब यहाँ पर भी हम क्या कर दें इसका परिमेयीकरण कर दें, तो परिमेयीकरण करने पर ऊपर का रूट हट जाएगा, ये आसान होता है। यहाँ पर रूट वाले फंक्शन में जनरली आप रेशनलाइज कर दिया करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर ये हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच माइनस रूट ऑफ साइन एक्स और अपान एच, इसका हम परिमेयीकरण कर रहे हैं तो इसके अपोजिट साइन का गुणा और भाग कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स अपॉन रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स, क्लियर दैट इक्वल आगे हम इसको सॉल्व करें तो ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे अभी किया था मैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स, रूट हट जाएगा और अपान को वैसे ही रहने दो, इसको कुछ भी मत करो, एच और अंडर ब्रैकेट ये हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट साइन एक्स, क्लियर यहाँ तक। अब हम इसको ऊपर को सॉल्व करना है तो यहाँ पर क्या लगेगा, सी डी फार्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, तो हम साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दें लिमिट एस टेंस टू जीरो, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है टू कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच प्लस एक्स
अपॉन टू ये हो जाएगा और इनटू ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। तो इतना माइनस इतना मतलब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा एच बाई टू अपॉन ये एच इंटू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस एच प्लस रूट ऑफ साइन एक्स। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, आपको लिमिट में कमांड होना चाहिए। अच्छा आगे हम देखो इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर हमको साइन थीटा के लिए फार्मूला पता है। यदि ये टू को मैं यहाँ से हटा के यहाँ लिख सकता हूँ अपान में, तो साइन एच बाई टू, ये साइन एच बाई टू और ये एच बाई टू फार्मूला से क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा अपान थीटा लिमिट में वन होता है। अब यहाँ पर हम इसमें वैल्यू पुट अप कर दें, मतलब लिमिट टेंस कर दें, तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ऊपर में हो जाएगा ये टू एक्स है, एच टेंस टू जीरो होगा तो ये तो जीरो हो गया, टू एक्स अपान टू मतलब हो जाएगा एक्स, मतलब क्या हो गया ये कास एक्स हो गया, और अपान यहाँ पर हम यदि जीरो कर दें तो रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स मतलब टू रूट ऑफ साइन एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा कास एक्स अपान टू रूट ऑफ साइन एक्स। तो आप देख रहे होंगे कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना, शुरुआत में ही मैंने बताया था, एक तरह से रिविजन है, पहले मैं केवल आर्टिकल्स बताया था आपको, मतलब किस प्रकार से अवकलन के सूत्र स्थापित होते हैं। आज मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि यदि कोई क्वेश्चन हमको प्रथम सिद्धांत से बनाने के लिए हो तो देखिए, इसको जब एग्जाम में प्रथम सिद्धांत के से बोलेगा तभी बनाना है, अदरवाइज इसका अवकलन में सीधा सीधा यूज़ नहीं है, क्योंकि जहाँ पर हमको अवकलन करना है वहाँ हम सीधा फार्मूला से अवकलन करते हैं। लेकिन ये एक स्पेशल पैटर्न है कि यदि हमको वो फर्स्ट प्रिंसिपल से बोले तभी हमको ऐसा बनाना है, इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बाय द वे, एक आध क्वेश्चन आपको इस तरह से आ गया कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन कीजिए, ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं आप। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। दो चार फंक्शन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दूँ तो आपका इसमें अच्छा कमांड हो जाएगा, आप इतने दो क्वेश्चन से ही समझ गए होंगे कि कैसे बनाना होता है अपने को। चलिए अपन एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लेते हैं, मतलब चरघातांकी फंक्शन। तो सपोज अब हमारा क्वेश्चन है y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और इसको ले लिया मैंने सपोज e टू द पावर 5x, ये ले लिया e टू द पावर 5x। तो देयर फॉर फंक्शन ऑफ x प्लस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 5, और x के जगह में रखेंगे अपन x प्लस एच। देयर फॉर काम वही है, देयर फॉर बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, यदि हम फर्स्ट प्रिंसिपल को लगा दें तो d किसका करना है, e टू द पावर 5x, e टू द पावर 5x डी बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ x प्लस एच, माने ये e टू द पावर 5x प्लस एच और माइनस e टू द पावर 5x अपॉन h। ये हमने दोनों का वैल्यू पुट अप कर दिया। क्या करना होता है, सबसे पहले फंक्शन ऑफ एक्स, फिर उसका फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच, दोनों मान को एक फार्मूला में पुट अप कर दो, दैट इक्वल। अब इसको हम आगे सॉल्व करें तो किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से मैं ई टू द पावर 5x को कामन करता हूँ, तो ई टू द पावर 5x कामन करूँगा तो इसमें डिवाइड होगा तो इसके पावर से घट जाएगा, तो ई टू द पावर 5x प्लस एच माइनस 5x हो जाएगा और माइनस ये क्या हो गया, 1 अपान एच, क्योंकि इसको हमने कॉमन कर लिया है। अब इसको हम सरल करते हैं, दैट इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो ई टू द पावर 5x, अंदर देखो ये 5 का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 5x के साथ में कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है और यहाँ पर बताएगा ई टू द पावर 5h, तो ई टू द पावर 5h माइनस 1 और अपान क्या हो गया, h। अब यहाँ पर यदि हम लिमिट एडजस्टमेंट करें तो आपको मालूम है कि यहाँ पर फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 होता है। लिमिट के फार्मूला प्रॉपर आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि लिमिट यदि हमको नहीं बनता तो प्रथम सिद्धांत से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। वास्तव में प्रथम सिद्धांत का मतलब लिमिट सॉल्व करना ही है, क्योंकि वैल्यू पुट करने के बाद हम उसकी लिमिट ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 11th क्लास में आपने पढ़ा है वहाँ से रिपीट करिए, या अभी मेरा 11th क्लास का मैंने लिमिट का वीडियो नहीं डाला है, लिमिट का वीडियो डालूंगा तो वहाँ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पर अप्लाई करें, तो यहाँ पर e का घात 5x है तो यहाँ भी 5x होना चाहिए,
तो 5 को मैंने डिवाइड किया तो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा उसके एडजस्टमेंट के लिए, तो मैंने 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड किया, 5 का गुणा 5 का भाग किया। अब इस कंडीशन में आपका ये जो फार्मूला है ये क्या हो गया, फार्मूला में 1 हो गया लिमिट के फार्मूला से। तो आगे फिर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इक्वल ये 5 का 5 और e टू द पावर 5x, ये क्या है इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू e टू द पावर 5x। ऐसा भी हम इसका डायरेक्ट यदि अवकलन करें, एक बार आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जैसे डी बाई डी एक्स आप ई टू द पावर 5x आप यदि चैन रूल से करेंगे तो इसको x मान लेंगे तो e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x, e टू द पावर 5x हो गया, और उसके बाद आप डी बाई डी एक्स आप क्या करोगे 5x करोगे, तो यहाँ पर 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा, तो 5 e टू द पावर 5x। तो डायरेक्ट भी डिफ्रेंशिएशन आप वहाँ चेक करके देख सकते हैं कि मैंने जो काम किया है वो सही है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन कर सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन बस इसी पैटर्न से बनने हैं, इसमें कुछ कठिन नहीं है। चलिए एक आध क्वेश्चन मैं आपको और बता दूं इसमें, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले लीजिए। आज के इस क्लास में मैं आपको सिर्फ प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के क्वेश्चन बताऊंगा। इसके बाद का जो हमारा क्लास होगा अब हम डिफरेंशिएशन के थोड़ा डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट पोर्शन में एंट्री करेंगे, जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स, दो फलनों के गुणनफल का तो हो गया, अब पढ़ेंगे उत्तरोत्तर अवकलन पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट कुछ अच्छा क्वेश्चन इसमें और मैं सेलेक्ट कर लूँ, एलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, सब तो ऐसे ही हैं और कुछ नहीं है। ई टू द पावर एक्स स्क्वायर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। चलिए y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का स्क्वायर, इसका हमको डिफ्रेंशिएट करना है y इक्वल टू ई टू। कई लोग इस क्वेश्चन में दिक्कत महसूस करते हैं इसलिए मैंने लिया इसको। तो यहाँ पर देखो, चूँकि फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, देयर फोर फंक्शन ऑफ x प्लस एच इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। देयर सब क्वेश्चन एक जैसे हैं बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत यहाँ पर लगा दिया अपन, तो d बाई डी एक्स ऑफ क्या e टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये फंक्शन ऑफ x प्लस एच, ये है अपने पास e टू द पावर एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस e टू द पावर एक्स स्क्वायर अपान एच, ये होगा। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अभी जो बताया e टू द पावर एक्स स्क्वायर को कॉमन कर सकते हैं, तो लिमिट h टेंस टू जीरो e टू द पावर एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e टू द पावर एक्स प्लस एच का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड करने से घात घटता है माइनस होता है, और ये हो गया माइनस वन अपान h। अब यहाँ पर अपने को लिमिट सिंप्लीफाई करना है, तो लिमिट सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, तो लिमिट h टेंस टू जीरो दैट इक्वल लिमिट s टेंस टू जीरो e टू द पावर x स्क्वायर। अब आगे आप देखो अंदर, इसको मैं ओरल एक्सपांड कर रहा हूँ, तो e का पावर x प्लस h का होल स्क्वायर जब एक्सपांड होगा विस्तार होगा तो x स्क्वायर प्लस 2hx प्लस x स्क्वायर आएगा, h स्क्वायर आएगा, तो x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा अपने पास ये e टू द पावर 2xh प्लस h स्क्वायर माइनस 1 और अपान h, ये बचेगा। यहाँ पर ये खास बात है, देखो इस तरह से बचेगा दैट इक्वल। अब आगे कैसे लिमिट इसको एडजस्ट किया जा सकता है, यहाँ पर h के जगह में इतना होना चाहिए h स्क्वायर, ठीक है, या h स्क्वायर h प्लस 2h प्लस x, तो क्या किया जा सकता है देखो, हम चाहें तो उतना मल्टीप्लाई और उतना क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं, तो वही कर देते हैं, चलो आसानी है, एडजस्टमेंट e टू द पावर x स्क्वायर, इसको मैंने लिख दिया e टू द पावर, यहाँ से h को मैं कॉमन कर लिया तो h को मैं यहाँ से कॉमन करूँगा तो कितना हो जाएगा 2x प्लस h माइनस 1 और अपान, ये h तो अपने पास ही है h, और मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसका 2x प्लस h का, 2x प्लस h का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ
तो 2x प्लस एच का मैं यहाँ मैं डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 2x प्लस एच। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसा मैं क्यों किया समझ गए? क्योंकि e के पावर में यहाँ जो कुछ भी होता है वो यहाँ होना चाहिए, तो ये फार्मूला के फॉर्म में वन होगा। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। इसलिए 2x प्लस एच मैं यहाँ डिवाइड किया और इसके एडजस्टमेंट के लिए 2x प्लस एच मल्टीप्लाई किया। अब लिमिट को टेंस कर दें तो क्या होने वाला है? देखो दैट इक्वल, लिमिट टेंस कर दें तो ये तो बच जाएगा e टू द पावर x स्क्वायर का e टू द पावर x स्क्वायर। ये जो मैंने राउंड किया है फार्मूला से वो वन है। यहाँ पर h टेंस टू जीरो होगा तो कितना बच जाएगा 2x, मतलब 2x इंटू e टू द पावर एक्स स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। तो आप समझ रहे हैं कि लिमिट एडजस्टमेंट करना आपको आना चाहिए। ठीक, लिमिट में कोई परेशानी है तो कुछ दिन बाद मेरे 11th क्लास के लिमिट के वीडियो आप कंसल्ट कर लेना। देखो इसको हम डायरेक्ट यदि डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं तो क्या आता है। चैन रूल से डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अवकलन करते तो इसको एक्स मानते, तो ई टू द पावर एक्स का अवकलन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा अवकलन करते तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू कितना आता है 2x, यही आंसर आता है। तो जो दो लाइन का डिफरेंशिएशन है फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसा बनता है। तो तुलनात्मक रूप से आप ठीक है समझ रहे होंगे कि मैं कैसे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम कैसे जो डायरेक्ट करते हैं उसको प्रथम सिद्धांत से, दोनों एक ही चीज़ है। तो सब क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन का मेरे को बताने का कोई मतलब नहीं है, सब ऐसे ऐसे ही बनेगा। आप लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस अपने टेक्स्ट बुक से कर लेंगे प्रथम सिद्धांत से, क्योंकि प्रथम सिद्धांत पर कमांड होना बहुत जरूरी है। यदि आप प्रथम सिद्धांत से कमांड नहीं करेंगे तो आपको बेसिक चीज़ क्लियर नहीं होगा उसका, कि कोई भी जो क्वेश्चन है कैसे डिफरेंशिएट हुआ है, ये इस तरह से डिफरेंशिएट हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसा डिफरेंस हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन तो बहुत है इसमें और सब क्वेश्चन वैसे एक ही तरह के बनेंगे तो कोई मतलब नहीं है, वही क्वेश्चन मैं बताते रहूँ, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। हाँ, अब इसके बाद आज का जो मेरा क्लास है डिफरेंशिएशन का जो बिल्कुल बेसिक चीज़ है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। शुरुआत में मैंने आपको फर्स्ट प्रिंसिपल बताया, सभी फार्मूला का डेरिवेशन बताया, फिर मैं उसको आपको डिफरेंशिएट करना सिखाया, फिर चैन रूल बताया, चैन रूल के बाद फिर मैं u इंटू v का डिफरेंशिएशन, u अपॉन v का डिफरेंशिएशन, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और फिर कुछ क्वेश्चन के प्रथम सिद्धांत से अवकलन। तो यहाँ पर बस आज स्टार्ट में अपना इस क्लास को मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ और आगे मैं स्टार्ट नए वीडियो से करूँगा और वो नया शुरुआत होगा वो होगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मतलब उत्तरोत्तर अवकलन। यहाँ से एक्चुअल में कैलकुलस का जो अवकलन का पार्ट है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आज के क्लास तक जो कुछ भी मैं पढ़ाया उसमें आपको 100% कमांड होना चाहिए और फार्मूले रटे में। आप कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला को तो रोज़ एक बार दिन में रिवाइज किया करो, क्योंकि फार्मूला में यदि आपका कमांड हुआ तो फिर आपका मैथ्स में कमांड अपने आप हो गया मान के चलिए, खासकर कैलकुलस में। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम दो बार तीन बार चार बार और एन बार अवकलन करेंगे और वहीं से हमारा इसका मेन पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैं होप करता हूँ कि जो न्यू वीडियो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का, उसके पहले आप यहाँ तक 100% रेडी हो चुके रहेंगे। ओके, थैंक यू।